एक पर दिया हुआ है और इसी आर्टिकल के साथ हम पेज नंबर चार पर दिए हुए दो आर्टिकल्स भी कवर करेंगे जो कि जीएसटी और यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइजेस थर्टी थ्री परसेंट टू रुपी फोर पॉइंट एट ट्रिलियन सेंटर का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन या जो डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू है वो अगस्त थर्टी में इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली फोर पॉइंट एट ट्रिलियन का हो गया इट मींस सेंटर का जो डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू है उसने अगस्त के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली फोर एट ट्रिलियन का कलेक्शन रजिस्टर किया है जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में तैंतीस परसेंट ज़्यादा है पिछले साल यही कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट सिक्स ट्रिलियन का था तो सी बी डी टी के अकॉर्डिंग दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अकॉर्डिंग सेंटर का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली तैंतीस परसेंट तक इंक्रीज हुआ है ऑगस्ट के महीने में और सी बी डी टी के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चेयरमैन के अकॉर्डिंग अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा अगर इसी पेस में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ होता रहा या डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज़ होता रहा तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 23 का जो टारगेट है बजट का टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 14.20 ट्रिलियन का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करना यह टारगेट भी एक्सीड हो जाएगा इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में इससे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा अगर इसी तरह का सेम पैटर्न आगे आने वाले महीनों में भी दिखता है इट मींस इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो एक हेल्दी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है एंड एज़ पर द चेयरमैन ऑफ सी बी डी टी देर इज अ गुड बॉयसी ऑफ टैक्स कलेक्शन सोफा और जो गवर्नमेंट ने 14.20 ट्रिलियन का टारगेट रखा है चौदह दशमलव बीस का या दो जीरो का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसका अगर हम बाईफेशन करें तो अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट टू ट्रिलियन का जो टारगेट है या सेवन पॉइंट टू ट्रिलियन जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो कॉरपोरेट टैक्स से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और सेवन ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट इनकम जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इनसे एक्सपेक्ट किया है गवर्नमेंट ने तो इक्वल बाईफेशन की अगर हम देखें के तो 50 50 परसेंट का बाईफर्केशन है इट दो जीरो का जो टारगेट है उसमें 50% कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन और 50% पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के थ्रू गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है रिवीजन के लिए फिलहाल के लिए अभी गवर्नमेंट का कोई मोटिव नहीं है लेकिन अगर पिछले साल को देखें फाइनेंशियल ईयर 20 टू में गवर्नमेंट ने रिवीजन किया था रिवाइज एस्टिमेट्स पब्लिश किए थे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर के जो बजटेड एस्टिमेट्स हाँ, था वो अप्रॉक्सीमेटली इलेवन पॉइंट जीरो एट ट्रिलियन था लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इस एस्टिमेट को रिवाइज किया था और ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्रिलियन का एस्टिमेट किया था और इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन पॉइंट टू जीरो ट्रिलियन का एस्टिमेशन है और अगर हम सिंपली कारपोरेट टैक्स को देखें तो कारपोरेट टैक्स में अभी अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट का ग्रोथ रेट या ट्वेंटी सिक्स परसेंट का इंक्रीज देखने को मिलना है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर तो हेल्दियर बैलेंस शीट्स है कॉर्पोरेट्स की ऐसा सी के जो चेयरमैन है उनका कहना है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस के रिलैक्स होने के साथ इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्रीज जो कि पैंडमिक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अब उनमें रिकवरी स्टार्ट हो गई है तो कॉरपोरेट टैक्स में भी एक डिसेंट ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा और अगर यही ग्रोथ रेट कॉर्पोरेट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कंटिन्यू रहता है तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स मॉप फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी दिस इज द बजटेड एस्टिमेट्स बीई स्टैंड बजटेड एस्टिमेट्स आरई स्टैंड रिवाइज एस्टिमेट्स तो ये, ये, ये so, so, हम देख सकते हैं रेड बार इंडिकेट द कॉरपोरेशन टैक्स

उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो आर फॉर रिवाइज एस्टिमेट्स और बजटेड एस्टिमेट मतलब गवर्नमेंट ने कितना बजट में एस्टिमेट किया था अब इसके साथ ही हम जी एस टी कलेक्शन से रिलेटेड एक और न्यूज़ कवर करेंगे जो कि पेज नंबर चार पर दी हुई है देख लेते हैं न्यूज क्या है जीएसटी मॉपअप ओवर रुपी वन पॉइंट फोर ट्रिलियन फॉर सिक्स मंथ इन अ रो अभी तक तो हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आते हैं अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की दैट इज़ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जीएसटी कलेक्शन जो है अपने छठे महीने में लगातार वन पॉइंट का मार्क क्रॉस कर चुका है इट मीन्स ऑगस्ट के मंथ में भी जो जीएसटी टैक्स कलेक्शन हुआ है इन तरह टैक्स कलेक्शन हुआ है वन पॉइंट फोर ट्रिलियन से ज़्यादा हुआ है और ये छठवीं बार या छोटे महीने में लगातार ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जब जी कलेक्शन जो है वो वन ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर रहा है इट मीन सिंस लास्ट सिक्स मंथ जी कलेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली अपने हाई नॉच पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई इंडिविजुअल्स आर बाइंग देर इज अ डिमांड जिसकी वजह से जो इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है और पिछले साल के कंपेरिजन में इसमें अप्रॉक्सीमेटली अट्ठाईस परसेंट का इंक्रीज है अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो अट्ठाईस परसेंट का इंक्रीज जीएसटी टैक्स कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में देखने को मिल रहा है हाउ एवर द रिवेन्यू फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स विटनेस अ माइल्ड मंथ ऑन मंथ डिफ फ्रॉम 1.49 ट्रिलियन कलेक्टेड इन जुलाई जुलाई के कंपैरिजन में अगर हम जुलाई से कंपेयर करें अगस्त का कलेक्शन तो जुलाई के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप देखने को मिला जुलाई में यही कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली वन का था जो कि अगस्त में रिड्यूस होकर के वन ही रह गया हालांकि जैसे कि फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं इंडिया में आगे तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो ये कलेक्शन है ये अगस्त के मंथ में ये अभी और ज़्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि फेस्टिवल सीजन में इंडिया में कंजप्शन और डिमांड बढ़ जाती है और जीएसटी काउंसिल का मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जीएसटी काउंसिल ने जो भी रिफॉर्म्स लिए थे जो भी मेजर लिए थे टैक्स कंप्लाइंस कोम्प्रूव करने के लिए जैसे कि बेटर रिपोर्टिंग और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सबमिशन से रिलेटेड जो भी जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिए थे उनका इम्पैक्ट हमें बेटर कम्प्लाइंसेस के फॉर्म में दिख रहा है जिसका रिजल्ट हमें बेटर कलेक्शन के फॉर्मेट में दिख रहा है अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप ये तो बात हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो कि ऑगस्ट के मंथ में हमें थर्टी और ट्वेंटी से बढ़ा हुआ दिख रहा है अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की तो उसके अकॉर्डिंग यू रिकॉर्ड्स फ्रेश हाई विद सिक्स बिलियन ट्रांजेक्शन यू पी आई स्टैंडस फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यह गवर्नमेंट का बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम था डिजिटल ट्रांजेक्शन को या बहुत एम्बिशियस इनिशियेटिव था प्रोग्राम तो हम नहीं बोलेंगे इनिशियेटिव था डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए और ईयर बाई ईयर अगर हम देखें तो यू पी आई ट्रांजेक्शन जो है या जो जो नंबर ऑफ़ यू पी आई ट्रांजेक्शन हैं वॉल्यूम है वो रिकॉर्ड रजिस्टर करता जा रहा है ईयर बाई ईयर इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगर हम ऑगस्ट की बात करें ऑगस्ट के डेटा की बात करें क्योंकि कल के एनालिसिस के बाद से या जी 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 के क्वार्टर वन के डेटा पब्लिश होने के बाद से जो न्यूज़ पेपर्स हैं उसमें अगस्त के डेटा को लेकर ले के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर करी गई है तो अगर हम अगस्त के अगस्त मंथ के डेटा की बात करें तो यू का जो ट्रांजेक्शन है उसने और एक रिकॉर्ड रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज़ वेल एज़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो अगस्त के मंथ में यू ने अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट फाइव सेवन बिलियन के ट्रांजेक्शन रजिस्टर किए जिसकी जो वैल्यूएशन था वो अप्रोक्सीमेटली टेन पॉइंट सेवन टू ट्रिलियन था और पिछले मंथ के कंपैरिजन मैंने जुलाई के कंपैरिजन में अगर जुलाई से कंपेयर करें तो जुलाई के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली फोर पॉइंट सिक्स टू परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और जीरो पॉइंट नाइन फाइव परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो मंथ वाइज मंथ यू पी में भी इंक्रीज होता जा रहा है और अगर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एन का डेटा देखें तो Of transaction rose approximately 85% 67.85% इतना ईयर ऑन ईयर बेसिस साल के कंपेरिजन में वॉल्यूम में पचास परसेंट का इंक्रीज है और वैल्यू मेंसेंट का इंक्रीज है अब फोर परसेंट और जीरो पॉइंट नाइन परसेंट का इनक्रीज है मंथ वाइज मंथ ईयर बाय ईयर जो यूपीआई है वो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रजिस्टर कर रहा है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिकवरी डिजिटल ट्रांजेक्शन डिमांड परचेज इन सारी एक्टिविटीज इन सारे इंडिकेटर्स को शो कर रहा है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड कैड मे हिट नाइन ईयर हाई इन क्वार्टर वन एज नेट एक्सपोर्ट्स सो अभी तक तो हमने इंडियन इकोनॉमी के इंटरनल बैलेंसेस की बात करी अब बात कर रहे हैं। करते हैं हम एक्सटर्नल बैलेंसेस की जैसे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सटर्नल बैलेंसेस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे बाहर के ट्रांजेक्शन हैं अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस हो रहे हैं उसमें इंडिया की क्या पोजिशन है तो एज़ पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैट बोलते हैं वो अपने नौ साल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच सकता है एज़ पर द जून क्वार्टर डेटा तो अगर जून क्वार्टर यानी क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री का डेटा देखें तो उसमें जो इंडिया का नेट एक्सपोर्ट रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली फाइव पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ जीडीपी पहुंच गया है एंड एज़ अ पार्ट ऑफ़ जी डी पी फीगर द नेट एक्सपोर्ट डेटा विच इज़ यूजअली निगेटिव फॉर इंडिया हम सब जानते हैं कि इंडिया के केस में ये निगेटिव होता है नेट एक्सपोर्ट का डेटा इट मीन्स हम एक्सपोर्ट कम करते हैं इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं हमारी जो अर्निंग्स होती हैं वो कम होती हैं करंट अकाउंट करंट अकाउंट में जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेफिसिट की सिचुएशन में रहते हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेटा अभी पब्लिश किया है कैच को लेकर के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर के डिफरेंसेस को लेकर के और जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी कंसीडर होते हैं जैसे कि प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स रेमिटेंसेस इन सब को भी कंसीडर किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का नेट एक्सपोर्ट रहा रेशियो रहा है वो पाँच दशमलव तीन तक पहुंच गया है जिसको अगर हम सही से बोले तो माइनस फाइव पॉइंट थ्री तक पहुंच गया है जो आर का डेटा है इसमें रेमिटेंसेस और प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स भी कंसिडर होते हैं जो कि मोस्टली इंडिया के केस में पॉजिटिव रहते हैं रेमिटेंसेस हम सबसे अच्छा रिसीव करते हैं एक डिसेंट अमाउंट का रेमिटेंसेस इंडिया जो है इंडियन इकोनॉमी रिसीव करती है हालांकि अगर हम नेट एक्सपोर्ट की बात करें जिसको एक्चुअली में प्रॉक्सी समझा जाता है कैट की वो जून के क्वार्टर में सबसे ज़्यादा या वन ऑफ द हाईएस्ट देखने को मिली है 2013 के कंपैरिजन में इट मींस जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स होते हैं उसका जो डिफरेंस है उसको हम नेट एक्सपोर्ट के फॉर्म में जनरली कंसिडर कर सकते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के, के केस में निगेटिव होता है जैसा कि मैंने दिखाया कि हम एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो कम करते हैं इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा होता है और एज पर द क्वार्टर वन ऑफ दिस ईयर अगर हम इस पर्टिकुलर क्वार्टर वन को देखें तो पिछले नौ सालों के कंपैरिजन में नेट एक्सपोर्ट का ये रेशो कभी भी 5.3 परसेंट का टारगेट या 5.3 परसेंट का पॉइंट नहीं टच किया है कैड इन द जून क्वार्टर ऑफ 2013 वाज थर्टीन वॉज अप्रॉक्सीमेटली फोर परसेंट ऑफ जीडीपी और इस बार पहली बार क्वार्टर वन में 5.3 परसेंट ऑफ जीडीपी देखने को मिला जो कि पिछले नौ सालों का सबसे हाइस्ट पॉइंट है इट मीन्स एक्सटर्नल इम्बेलेंसेस के केस में इंडिया की जो पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और अगर हम इसके पहले के क्वार्टर्स की बात करें कैड यानी कि अगर हम बात करें मार्च क्वार्टर ऑफ़ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू तो उस ड्यूरेशन में जो कैड था इंडिया का वो अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी था और क्वार्टर वन या, या हम बोले लास्ट क्वार्टर या क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियलियलिययर ट्वेंटी टू उसमें टू पॉइंट सिक्स परसेंट था हालाँकि पिछले कुछ क्वार्टर में से अगर हम देखें तो कैड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या जो डेफिसिट है करंट अकाउंट डेफिसिट वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है इंडिया के केस में जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइजन होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने कई बार डिस्कस भी किया है और इस बार फाइव पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी पहुँच गया जो कि पिछले नौ महीनों का सबसे हाइस्ट पॉइंट है एंड दिस इज़ द नेट एक्सपोर्ट रेड लाइन इंडिकेट्सा नेट एक्सपोर्ट रेड लाइन इंडिकेट्स करंट अकाउंट बैलेंसेस और ब्लू लाइन इंडिकेट्सा नेट एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी जो फ़िलहाल के लिए अपने हाइएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुका है इससे पहले हमें ये नंबर जून थर्टी टू थाउजेंड थर्टीन में देखने को मिला था जब इंडिया का जो नेट एक्सपोर्ट रेशियो था वो माइनस फाइव पॉइंट नाइन परसेंट था और जैसा कि मैंने बताया इसको माइनस में कंसीडर कर सकते हो तो आप देख सकते हैं ग्राफ में ये माइनस में ही कंसीडर किया गया है और इस बार ये फ़ाइव पॉइंट थ्री परसेंट माइनस फाइव पॉइंट थ्री परसेंट तक पहुंच गया है जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ये तो बात हो गई कैट की कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं अगर अगर हम देखें मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ये न्यूज़ भी पेज नंबर चार पर ही दी हुई है मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ रिमेन्स रोबोस्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट हमारा कैट जिस तरह से बढ़ रहा है उसको डेटा को अगर हम डिटेल में देखें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं बट चूंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे इम्पोर्ट बिल ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट तो मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो अगस्त के मंथ में इंडिया का जो मैनुफेक्चरिंग सेक्टर रहा है वो रोबोस रहा उसने अच्छी खासी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव करी है और अगर हम ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो वो अगस्त के मंथ में 56.2 पर पहुंच गया है जो कि जुलाई में अप्रॉक्सीमेटली 56.4 था जुलाई के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला बट स्टिल इट इज़ अ रोबर्स ग्रोथ हम सभी जानते हैं पचास से ऊपर होता है अगर ये नंबर पीएमआई का तो ये इंडिकेट करता है एक्सपेंशन पचास से नीचे होता है तो ये इंडिकेट करता है कॉन्ट्रैक्शन दिस इज नॉट द मार्केट डेटा दिस इज ग्लोबल इंटरनेशनल मैनुफैक्चरिंग परचेसिंग इंडेक्स जो कि एस पब्लिश करता है इंडिया के केस में दिस पर्टिकुलर पी एम आई हैज बीन डेवलप बाई मार्केट तो फिलहाल के लिए इंडिया में जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी रोबर्ट्स और सिग्निफिकेंट तो यहाँ बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द न्यू ऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ओनिंग टू द फेस्टिव सीजन आप देख लेते हैं टू इंडस्ट्री ग्रोज द मोस्ट इन एट ईयर्स हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें बैंक्स क्रेडिट के फॉर्म में देखने को मिलेगा पैंडमिक के डूरेशन में यही जो क्रेडिट ग्रोथ रेट थी थोड़ी सी रिवर्स थी जो इंडस्ट्री लोन था वो डिक्रीज हो रहा था और जो पर्सनल लोन थे रिटेल लोन थे उनमें इंक्रीज देखने को मिल रहा था बट एज़ पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा आठ साल का डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया में हम क्रेडिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ रेट को देखें तो इंडस्ट्रीज सेगमेंट हिट एंड एट ईयर हाई एज इंडियन कॉरपोरेट हाउसेस लुक टू कम आउट टू देयर डेलीवरेंजर्स फेज तो अपनी डेलीवरेंजिंग फेज से अब जो कॉरपोरेट्स हैं दे आर कमिंग आउट और वो नए लोन्स नए बोरोइंग्स कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर हम डेटा देखें दिस इज द डेटा सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट तो इंडस्ट्री में कितना इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है उसी न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया गया और ये कहा गया कि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में हम बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड में एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडस्ट्री सेगमेंट है उसमें क्रेडिट ग्रोथ रेट इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है और वो अपने पिछले आठ सालों के अगर टाइम पीरियड को देखें तो उसमें सबसे हाइएस्ट पर पॉइंट पर पहुंच गई है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फंडिंग रिक्वायरमेंट ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड इन द इकोनॉमी और अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पब्लिश डेटा है उसको और डीपली एनालाइज करें तो देख सकते हैं माइक्रो स्मॉल एमएसएमई सेगमेंट में एमएसएमई सेगमेंट में अप्रॉक्सीमेटली इकतीस दशमलव आठ दो थर्टी वन पॉइंट एट टू ट्रिलियन का लोन जुलाई एंड तक डिसबर्स हुआ है जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में दस परसेंट ज़्यादा है टेन पॉइंट फाइव परसेंट ज़्यादा है तो अभी तक जुलाई के मंथ में एमएसएमई सेक्टर को अप्रॉक्सीमेटली थर्टी वन पॉइंट एट टू ट्रिलियन का लोन दिया जा चुका है और अगर मंथ ऑन मंथ के बेसिस पर देखें तो इसमें जीरो पॉइंट फोर परसेंट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली अगर ईयर टू डेट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली वन परसेंट का ग्रोथ तो दोनों ही केस में ईयर ऑन ईयर बेसिस ईयर टू डेट बेसिस और मंथ वाइज मंथ बेसिस दोनों के ही केस में एमएसएमई सेगमेंट में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है क्रेडिट टू इंडस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी सेवन ऑफ नॉन फूड क्रेडिट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री तो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का टोटल क्रेडिट हम देखें अगर हंड्रेड टोटल क्रेडिट है बैंक इंडस्ट्री में तो उसका सत्ताईस परसेंट जो है वो केवल इंडस्ट्री सेगमेंट को जाता है यानी इंडस्ट्री सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडस्ट्री लोन कॉन्स्टिट्यूट करता है सत्ताईस परसेंट एंड इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इन टोटल Of Indian banking industry, and डेटा देखें पिछले कुछ दस सालों का हम डेटा देखें तो ये जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री सेगमेंट में ये इससे पहले हमें मई 2014 में देखने को मिला था हालांकि पैंडमिक के ड्यूरेशन में जो कॉरपोरेट क्रेडिट रहा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया बट एज़ पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ़िलहाल के लिए अब इंडस्ट्री सेगमेंट में जो लोन या क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो चुका है एंड दिस इज द सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट ईयर ऑन ईयर बेसिस This orange bar or the yellow bar indicates year on year growth in terms of percentage, or this blue bar indicates a year-to-date growth in terms of percentage. So different different categories jo so loans: personal loan, service loan, agriculture loan, cross bank credit, and industry. Industry बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सत्ताईस तो परसेंट से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है बैंकिंग इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और अगर ये नीचे जाता है तो बैंक जो है उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपेक्ट करती फाइनली पैंडमिक से रिस्ट्रिक्शंस ओवर हो रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है तो कॉर्पोरेट्स भी अब रिस्क ले रहे हैं लोन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है ये तो बात हो गई क्रेडिट क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रहा है बट क्या क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में टर्न अप हो रहा है या नहीं हो रहा या फिर वो सिर्फ कंजप्शन में ही उसका यूज है तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज इन्वेस्टमेंट सर्ज इन जून क्वार्टर बट स्टिल लोअर थर्टी परसेंट ऑफ जी तो अगर क्वार्टर वन का डेटा देखें तो क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री के डेटा के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं इकॉनमी में है? तो उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की इतना अगर हंड्रेड परसेंट जी है तो दस परसेंट बीस परसेंट कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हम कई बार बता चुके हैं इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर इनकम इन द कंट्री इसीलिए डिस्पोजेबल इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए तो अगर हम बात करें क्वार्टर वन के डेटा की तो क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी हैज़ इंक्रीज़ इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार क्वार्टर वन में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है बट लेकिन जो अभी ग्रोथ रेट है वो अभी भी जो बेंच मार्क ग्रोथ रेट है उससे नीचे यानी थर्टी परसेंट से नीचे बट स्टिल बिलो दैन द थर्टी परसेंट मार्क दैट इज रिक्वायर्ड टू पुट द इकॉनमी इन अ सस्टेनेबल ग्रोथ पार्ट तो इंडियन इकोनॉमी के केस में बोला गया कि एटलीस्ट थर्टी परसेंट ऑफ़ जी डी पी शुड बी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट शुड बी एटलीस्ट थर्टी परसेंट ऑफ जी डी पी और अगर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इकोनॉमी के लिए एक सस्टेन ग्रोथ पाथ अचीव कर पाना आगे आने वाले टाइम में पॉसिबल नहीं है तो अगर क्वार्टर वन में देखें तो क्वार्टर वन में अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू परसेंट का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर लास्ट ईयर यही ट्वेंटी एट पॉइंट टू था तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो इंक्रीज है ट्वेंटी एट से बढ़ करके ट्वेंटी नाइन तक पहुंच गया है लेकिन अभी भी जो मार्क है बेंच मार्क है थर्टी परसेंट उससे नीचे है एंड दिस इज नॉट गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी हाउ एवर इट वॉज लोअर देन थर्टी पॉइंट सेवन परसेंट इन क्वार्टर वन ऑफ द प्री कोविड पीरियड ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी हालांकि अगर एडजस्ट इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है थर्टी का मार्क क्रॉस कर रहा है इट मे बी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन लेकिन अब फिर भी ये जो नंबर है ये अभी और इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि पैंडामिक के बाद इकोनॉमिक रिकवरी जरूरी है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेस फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनकम जनरेशन और इनकम विल अल्टीमेटली लीड्स टू डिमांड इन द इकोनॉमी तो इन्वेस्टमेंट जब अगर क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है बट नॉट अप टू द डिजायर लेवल हालांकि बहुत सारे अगर कैल्कुलेशंस को देखें तो इट इज अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट एज ऑफ नाउ बट इट्स द एक्सपोर्ट्स करंट प्राइज रेट पर इट इज नॉट गुड बट कॉन्स्टेंट प्राइज रेट पर इट हैज क्रॉस द थर्टी परसेंट मार्क बट एज पर एक्ट पर द लार्ज परसेंटेज और द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वाड आप देख लेते हैं समाधान न्यूज क्लिप्स डे आफ्टर क्वार्टर वन जी डी पी डेटा अ टाइड ऑफ फोकास्कट कल यानी परसों कल के दो न्यूज़ में हमने कवर किया था डे बिफोर यस्टरडे इंडियन इकोनॉमी में क्वार्टर वन ऑफ जी डी डेटा पब्लिश हुआ था एन ने पब्लिश किया था और उसके बाद से हमने डिस्कस भी किया था कि जो ग्रोथ का टारगेट है जी ग्रोथ का टारगेट है नॉमिनल जी ग्रोथ का टारगेट था वो मिस हो गया था और इस पब्लिकेशन के बाद से बहुत सारे जो कंसल्टेंसी रिसर्च बेस्ड कंपनीज हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक रेस सी लग गई एक ट्रेंड चल गया कि जो जीडीपी फोरकास्ट तो उन्होंने किया था इंडियन इकॉनॉमी को लेकर के उसको स्लैश डाउन करना शुरू कर दिया है तो एक टाइड सी स्टार्ट हो क्योंकि जो क्वार्टर वन का डेटा एंटिसिपेट किया जा रहा था जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरीके से इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस नहीं रही अगर क्वार्टर वन में इंडियन इकॉमी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो डेफिनेटली जितने भी कंसल्टेंसी रिसर्च बेस्ड फॉर्म थे तो जो फोककास्टिंग करी थी उन्होंने क्वार्टर वन के एंटिसिपेशन के बेसिस पर अब वो फोककास्टिंग रिड्यूस कर रहे हैं और ये रिडक्शन सिटी ग्रुप एस बी आई गोल्डमैन शर्स सबके केस में देखने को मिला है ग्रुप ने पहले कितनी फोकस करी थी अप्रॉक्सीमेटली आठ परसेंट जीडीपी की सेवन परसेंट मूडीज एट पॉइंट एट परसेंट सबसे ज्यादा हमें मूडीज के के केस में देखने को मिला था मूडीज ने भी इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी फोकास्ट है उसको रिड्यूस करके सेवन पॉइंट कर दिया है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस क्वार्टर वन डेटा जी डेटा इंडियन इकोनॉमी आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जी सीसीआई इंटर्स टॉक्स टू आयरन आउट सोनी मोर्जर इशू कल के न्यूज में हमने डिस्कस किया था कि सीसीआई ने अपनी प्राइमा पेसी इंक्वायरी में पाया है कि जो जी और सोनी का मर्जर है दैट विल डिस्टॉर्ट द कंपटीशन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया उसी को लेकर के जी इंटरप्राइजेस हैज़ रिटर्न टू सी सी आई दैट इज एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कि जो सी सी आई के परमिशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जी पूरा करेगा तो नेगोसिएशन स्टार्ट करने की बात करी कंसल्टेशन स्टार्ट करने की बात करी टॉक्स स्टार्ट करने की बात करी कि क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है कैसे ये मर्जर पॉसिबल हो सकता है तो फिलहाल के लिए जी सी सी आई जो है वो नैगोस

जो इस बार की फसल है या जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो एक डिसेंट या सफिशेंट प्रोडक्शन हो सके जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आगे हेल्प कर सकता है हालांकि दिस कुड स्पेल एज बैड न्यूज फॉर फ्यू स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स? उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल, वेयर पेडी डी हैज बिन रनिंग लेस देन लास्ट ईयर टिल मच ऑफ द पीक स्नोइंग विंडो ऑल दो दोज बीन सम कैचिंग अप लेटर तो कुछ पार्ट्स के लिए अच्छी न्यूज है कुछ पार्ट्स के लिए खराब न्यूज है बट एज पर आई एम डी री इमोर्जेंस ऑफ एक्टिव मानसून कंडीशन द फोकस फॉर विद इट्स इशू लास्ट वीक स्टैंड अपडेटेड तो ये रहा मानसून का फोकस ऑल इंडिया के लिए नॉर्थ वेस्ट के लिए ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सेंट्रल इंडिया के लिए और साउथ पेनसोला के लिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंडिया रिप्लेसेस चाइना इन की रशियन ऑयल मार्केट रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से इंडिया और रशिया के बीच में जो बिजनेस है जो बायोलिट्रेल टाइज है वो और ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग बिजनेस चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो कोई भी अदर इसेंशियल कमोडिटी हो और इसी के बाद से इंडिया हैज पुश अगर डेटा को देखें तो इंडिया ने चाइना को कॉर्नर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ रशियन ऑयल मार्केट जो कि पहले चाइना डोमिनेट करता था फिलहाल के लिए अब उसमें इंडिया का डोमिनेशन है सो रिकॉर्ड नंबर ऑफ शिपमेंट ऑफ फार ईस्टर्न ग्रेड फॉल आउट फ्रॉम मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन रीशेप द ट्रेड लो अब रशिया का जो क्रूड ऑयल है मैक्सिमम वो अब इंडियन पोर्ट्स पर आ रहा है तो इंडिया ने रिसेंट टाइम में रशियन ऑयल को खरीदना इंक्रीज कर दिया है जिसकी वजह से फाइनली जो मार्केट चाइना डोमिनेटेड थी जहाँ पर चाइना का डोमिनेशन था चाइना रशियन ऑयल का बहुत बड़ा बायर था फिलहाल के लिए इंडिया अब उस रैंक को अचीव करता हुआ दिख रहा है अगर हम रीसेंट वेसल परचेज को देखें तो जो सिक्स वेसल हैं रशियन क्रूड ऑयल की वो अभी इंडियन पोर्ट्स पर साउथ एशियन नेशंस पोर्ट पर देखने को मिल रही हैं और जो ट्रेडर्स और शिप ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग अभी तक का हाईएस्ट नंबर है दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्गोस परचेज बाय इंडिया सिंस द स्ट्रीम वॉज इंट्रोड्यूस और ई क्रूड इज़ नाउ बिकमिंग वन ऑफ द स्टडी फ्लो इन इंडिया जबकि पहले जिसका इंडिया बहुत बड़ा फैन नहीं था नाउ रशिया एंड इंडिया आर इमोजिंग एज अ बिग ट्रेडिंग पार्टनर सो इंडिया हैज़ इमोर्ज एज अ की बायर ऑफ रशियन एनर्जी इन द वेक ऑफ दिस इन्वेजन चाइना को भी ओवरकम करते हुए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप चाइना लॉकडाउन 21 मिलियन एस सिटीज बैटल कोविड 19 चाइना में फिर कुछ सिटीज में कोविड 19 का आउटब्रेक देखने को मिला है जिसके बाद से चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली 21.2 मिलियन रेजिडेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में रहते हैं उन पर लॉकडाउन लगा दिया है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द आउटब्रेक ऑफ कोविड 19 चाइना अभी भी कोविड 19 से जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारे सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट फेज़ेस में इमरजेंस देखने को मिलता है तो फिलहाल के लिए चाइना जो है उन्होंने कुछ सिटीज़ में और अगर हम देखें तो साउथ वेस्टर्न चाइनीज़ मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिसनिटीज जो हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया है फॉर टेस्टिंग फॉर बैटलिंग अगेंस्ट द आउटब्रेक ऑफ कोविड नाइन्टीन So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join my telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.